विचार चल रहा था कि शब्द आकृति के आधार पर नित्य कह दिया गया, इसलिए देवादि जैसे गो आदि उत्पन्न हो जाते हैं, फिर भी उसमें गुत्त जाती है वो उत्पन्न नहीं होता। देवादि का उत्पत्ति मानने पर भी विग्रहवान है, उत्पत्ति वाले हैं, ऐसे निर्णय करने के बाद भी आकृति नित्य होने से उनके वाचक शब्द वो अनित्य नहीं हो सकते, वो भी नित्य ही माने जाएंगे। इसमें कहते आकृति निर्णय कैसे होगा इन देवताओं का, इंद्रत्व जाति पूर्णत्व जाति किस स्वरूप वाले को कैसे विग्रह वाले को मानेंगे, उसका शक्तिग्रह कैसे होगा, कहने का प्रश्न है शक्तिग्रह कैसे होगा। कहते आकृति विशेषस्तो देवादि नाम मंत्रार्थवादादिभ्यो विग्रहत्वाद्यवगमाद् अवगंतव्यः। देवादियों के शब्दों का आकृति विशेष जो है मंत्र अर्थवाद आदियों से कथित विग्रहत्व के आधार पर स्वीकार करने पर वह भी बोध हो जाएगा। जैसा विग्रह वर्णन किया इंद्र का, तारस विग्रह में क्या हो जाएगा, इंद्रत्व जाति ग्रहण हो जाएगा। जैसा वर्ण का स्वरूप का वर्णन नहीं है तो उस स्वरूप के आधार के मूर्ति चित्र बना लिया, उसे वर्णत्व का बोध हो जाएगा। इस तरह से इन आकृतियों का भी जो है मंत्र अर्थवाद पुराण इतिहास आदि अनेकों साधन के द्वारा जाना जा सकता है। एक बात, दूसरी एक बात में बता रहे, इंद्र में इंद्रत्व जो जाती है यह वस्तु को उत्पत्ति से भी लेन देन नहीं है, तो गद्दी का नाम है। कि शब्द की प्रवृत्ति दो प्रकार से होता है, एक तो जाति से एक उपाधि से, उपाधि भी स्थानतः क्रिया भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है इत्यादि। शब्द प्रवृत्ति का सदा ही जाति ही कारण ऐसा नहीं होता। अब जैसे सेनापति शब्द है, इसे क्या जाति मानोगे, जो एक आदमी है सेनापति था वो तो लंबा छोड़ा था, अब बाद में जो आ गया वो दूसरा हो गया, छोटा मोटा हो गया, अब क्या होगा। इसलिए यहां पर व्यक्ति से लेन देन नहीं है ना, उस स्थान पर जो भी बैठ जाए, उस पद पर जो बैठ जाए उसका नाम सेनापति हो जाएगा, चाहे जैसा भी है। तो व्यक्ति अब प्रधान हो गया, पद रूपी उपाधि प्रधान हो गया, व्यक्ति अब प्रधान हो गया। और प्रधान कौन हुआ, इसलिए जो स्थान है जो पद है वो उपाधि जो है वो प्रधान हो गया। उपाधि के अधीन इसलिए शब्द प्रवृत्ति मानी जाएगी, व्यक्ति के अधीन नहीं। इसलिए देखो सेनापति पद रिक्त है, कह दिया जाता खाली है, वैकेंसी खाली पड़ी। इसका मतलब क्या, व्यक्ति निरपेक्ष है ना वो पद। इसलिए एक तो पक्ष है देवतादि का जन्म मान लो व्यक्ति उत्पन्न होता है, उस व्यक्ति में जाति ग्रह जो है श्रुतियों के आधार पर निर्णय हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, एक तो पक्ष कह दिया स्पष्ट। और यदि नहीं मानता है इंद्रादि को इस तरह का तो भी कोई बात नहीं, उपाधि है मान लो। वह कर स्थान विशेष संबंध निमित्ता च इंद्रादि शब्दा सेनापत्यादि शब्दवत्, इंद्रादि शब्दा उपाधि निमित्त कहा, कैसे स्थान विशेष संबंध निमित्त सेनापते शब्दवत् अनुमान कर, स्थान विशेष संबंध निमित्त क्या हो गया, इंद्रादि शब्दों का प्रयोग हो जाएगा, जैसे सेनापति आदि शब्द होता है। ततश्च यो यह तत्स्थानम अधिरोहति स स इंद्रादि शब्द अभिधीयते इति न दोषो भवती। इसे जो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि दो पक्ष है ना, व्यक्ति में जाति तो पक्ष तो गजा दे भाई विग्रहवान मान लो, पैदा हो गया मान लो, व्यक्ति है मान लो, उसमें हो गया। और दूसरा पक्ष यह है कि भाई मान लो व्यक्ति को नहीं मानते हो, कभी जो पद में बैठ जाए उसी में इंद्रत्व आ जाए, व्यक्ति विशेष में इंद्रत्व जाति नहीं, जैसे मनुष्य शरीर विशेष में इंद्रत्व जाति मानी जाएगी, अब शरीर विशेष उत्पत्ति के साथ साथ इंद्रत्व का ग्रहण नहीं होगा, उसे कोई मतलब नहीं। जो पद में बैठ जाए उसमें इंद्रत्व ग्रहण हो जाए, इंद्र एक पद है, सिंहासन है, उस पर जिसको अभिषिक्त कर दी जाए उसमें इंद्रत्व ग्रहण हो जाएगा, अब भी दोष नहीं रहा। तब इंद्रत्व जाति जो आकृति हो तो नीति रह गया, भले उपाधि निमित्तक है और उपाधि स्थान निमित्तक है, पद निमित्तक है, कहीं क्रिया निमित्तक हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, अलग अलग होगा ना, निमित्त अनेक हो सकते उपाधि यहां तो।
इसलिए उपाधि से निरूपित जाति और व्यक्ति से निरूपित जो जाति, इन दोनों में अंतर है। पहला पक्ष व्यक्ति निर्निष्ठ जाति को लिया और दूसरा पक्ष उपाधिनिष्ठ जाति है, लेकिन जाति को ही लेकर सकल व्यवहार होता है और जाति का ही हमें अर्थ से संबंध मानना है, व्यक्ति का या उपाधि का अर्थ से हमें संबंध नहीं करना है। जाति का अर्थ से संबंध है, अतएव जो है शब्द भी नित्य सिद्ध हो जाता है कि शब्द वाच्य क्या है, जाति ही है, व्यक्ति नहीं है, उपाधि नहीं है। तो ऐसे जब सिद्ध कर देंगे तो शब्द भी नित्य हो गया, जाति नित्य होने से और आकृति के साथ अभेद हो गया। जब आप शब्द को जाति रूप मानेंगे तब, नहीं शब्द को वर्ण रूप मानेंगे तो आगे जवाब आएगा उसका। नचेदम शब्द प्रभुत्वम ब्रह्म पर्वत्वद उपादान कारण अभिप्रायण उच्चते, इन्हें भी प्रश्न उठाया था ना उसने, यदि आप शब्द प्रभुत्व कहेंगे ब्रह्म प्रभुत्व के समान तो फिर वो दोनों विरोध हो गया। आपने तो वहां ब्रह्म से उत्पत्ति बताया शुरू में और यह शब्द से उत्पत्ति जगत की बता रहे हो, पर फिर विरोध होगा, कहते कोई विरोध नहीं है, वहां हमने उपादान कारण को लेकर कहा है, यहाँ उपादान कारण तक दृष्टिया नहीं कहा। शब्द प्रवत्तम ब्रह्म प्रवत्त प्रभवत्वद उपादान कारण अभिप्रायण न च इदम उच्चते, ऐसे शब्द प्रवत्त जो कहा गया है वह ब्रह्म प्रवत्त के समान उपादान कारण का अभिप्राय से नहीं कहा गया। कथम तर्री, फिर किस अभिप्राय से आपने कहा है? स्थिते वाचकात्मना नित्य शब्द नित्यार्थ संबंधिनी शब्द व्यवहार योग्य अर्थ व्यक्ति निष्पत्ति है, अतः प्रभव इत्युच्यते। स्थिते वाचकात्मना नित्य शब्द, यदि भी शब्द अपने आप नित्य नहीं है क्योंकि वर्णोच्चारण होता है ना, पहले आ चुका व्यक्ति अनंत वर्ण गौ वर्ण कौ वर्ण अनंत है, वो तो नित्य हो नहीं सकता, लेकिन वाचकात्मना नित्य है, किसका वाचक है वो, आकृति का। इसलिए वाचकात्मना नित्य शब्द वर्ण रूपेण नहीं, उच्चारण क्रिया जन्य रूपेण नहीं, किंतु आकृति का वाचकत्वात नित्य मान के बोला जा रहा है। वाचकात्मना नित्य शब्द स्थिते मने निर्णीते सती नित्यार्थ संबंधिनी, वो भी कैसा शब्द है वो नित्य शब्द, नित्य अर्थ के साथ संबंध बोध कराने वाला है, ऐसे शब्द का यदा व्यवहार है शब्द व्यवहार योग्यार्थ व्यक्ति निष्पत्ति, शब्द व्यवहार के योग्य अर्थ का अर्थ से निरूपित व्यक्ति का जब निष्पत्ति होता है उसको यहाँ पर आता प्रवाह शब्दादुत्पत्ति कहा गया। मैंने जैसे आपके सामने घट अब हम उच्चारण करते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में एक पदार्थ दिखाई देता है और यदि वस्तु सामने हो तब घट समझ लेते हाँ ये घट है, इसको लाने का घटम महानय कहते आप चारों तरफ देखे कहा घट है और उठा के लाते हो, लेकिन वो जो अर्थ उपस्थिति हुआ शब्द श्रवण करने से उसको हम कह रहे हैं शब्द से घट की उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति का तात्पर्य वो आपके सामने योग्यार्थ रूपेण उपस्थित हुआ व्यक्ति, शब्द का व्यवहार उत्तर काल में जो शब्द के योग्य जो अर्थ था उसकी अभिव्यक्ति हो गया आपके सामने, कि शब्द जब तक न कहा जाए तब तक कोई वस्तु आपके सामने उपस्थित होगा नहीं, हो सकता। इसलिए शब्द उच्चारण के शब्द व्यवहार के अनंतर उस योग्यार्थ की जो उपस्थिति है या अभिव्यक्ति है उसी का नाम शब्द से उत्पत्ति कहा। उपायन कांड से मिट्टी से इसे घड़ा बना, वैसे शब्द से घड़ा नहीं बनाने की बात हो रही है, शब्द का जो आपके असर उपस्थिति हो गया अभिव्यक्ति हो गया उसी का नाम हम शब्द से उत्पत्ति कथन कर। पर वाचकात्मना नित्य शब्द नित्यार्थ संबंधिनी ये सब एक है सप्तम्यंत, वाचक रूपेण शब्द को नित्य स्वीकार किया और नित्य ही अर्थ के साथ संबंधी है यह शब्द ऐसा निर्णय लेने के पश्चात शब्द के व्यवहार होने के उत्तर काल में उस शब्द के बोध्यमान जो योग्य पदार्थ है, इसलिए योग्य विशेषण किया जा रहा है, हमेशा वाचार्थ उपस्थित नहीं होता है ना। अब गंगा एम घोषा कह दिया, शब्द सुनने से गंगा जी खड़ी होगी आपके सामने कि गंगा जी का तट पर विद्यमान मकान दिखाई देगा है? गंगा एम घोषा का शब्दार्थों को ही लेकर आप सीधा प्रवाह नहीं देखेंगे, आप गंगा तट पर दिमाग तुरंत चली जाएगी, शब्द गंगायाम ही है लेकिन अर्थ में फर्क पड़ गया, इसलिए योग्य अर्थ विशेषण दिया भाष्यकार ने। शब्द व्यवहार उत्तर कालीन जो योग्य पदार्थ का व्यक्ति मने अभिव्यक्ति पूर्वक निष्पत्ति है उसी को हम यहां
शब्द से उत्पत्ति कह दिया जगत को। खत्म पुनरावगम्य तो शब्दात प्रभूति जगत थी, लेकिन ऐसी प्रकार सारा जगत ही हुआ था ये कैसे पता चला आपको? है शब्द को सुना और शब्द कैसे भी प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी ने, भू भू स्व प्राप्त कर लिया अपने, तप किया ध्यान करने लगा अंदर से प्रकट हो गया शब्द। तो अंदर से जो प्रकट हुआ शब्दों का अर्थ तो कैसे जाना? दाता परम कल्प उसकी जो स्मृति बनी हुई है, तो वेद पढ़ा है पिछले जन्मों में, तो पिछले जो कल्प में रहा जब तब तो वो उसको स्मृति आ गया। भू का अर्थ भूलोक, शब्द से अर्थ की उपस्थिति हुई और बस जैसे उसने संकल्प किया वो सामने खड़ा हो गया चीज, क्योंकि सत्संकल्प है हिरण्य गर्भ। और हम लोग बोलते गुलाब, मैंने कहां खड़ा होता है फिर तो, क्या सारे मिठाई के दुकान सब बेकार हो जाएंगे। नहीं क्या बोलेगा रसगुल्ला, तुरंत खड़ा हो जाएगा सामने तो खाने लगोगे आराम से, खाऊ दुकान में जाएगा खरीदेगा। इसलिए हम सब असत्य संकल्प है तो जगत की व्यवहार बढ़िया चल रहा है, नहीं तो सब ठप हो जाएगा काम। और कहते इसलिए देखो यहाँ पर भी कैसे प्रश्न पूछा जवाब देते, कथम पुनरवगम्य थे शब्द जगदीति, जवाब दिया प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम कर दिया, प्रत्यक्ष अनुमान से। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्षम श्रुति ही प्रामाण्यम प्रति अनपेक्षता, इसको प्रत्यक्ष कह दिया अपने वेदों को, इसलिए क्योंकि उसकी प्रामाण्यता सिद्ध करने हमें अन्य की अपेक्षा नहीं है। वेद का कहा हुआ बात प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है या जांचने की जरूरत नहीं, या अन्य किसी चीज से उसको सिद्ध करने के प्रयास करने की अपेक्षा नहीं है, स्वतः प्रामाण्य है वो। इसे कहते हैं प्रामाण्य प्रति प्रामाण्यम प्रति अनपेक्षत्वात् श्रुति ही प्रत्यक्षम अनुमानंच स्मृति, अनुमान शब्द से क्या लेना? स्मृति। क्यों? प्रामाण्यम प्रति सापेक्षत्वात्, क्यों उसकी प्रामाण्यता के लिए अपेक्षा है, किसकी अपेक्षा है? कहते हैं ते ही शब्द पूर्वान सृष्टि प्रामाण्य प्रति, क्योंकि श्रुति की अपेक्षा है, क्योंकि कोई ना कोई मूल ढूंढोगे ना कि स्मृति का मूल कौन है, किस आधार पर कह दिया गया। यदि मूल नहीं मिलते हैं तो अनुमानिक श्रुति कल्पना कर लेते हो, लेकिन ध्वंस कामो मंगलम आचरित कल्पना किया, ऐसा समाप्ति कामो मंगलम आचरित, कोई श्रुति है नहीं, लेकिन ये प्रथा है शिष्टों के जो व्यवहार है उसको देखते हुए मालूम होता है कभी ना कभी वो श्रुति रही है। वर्तमान में हमारे पास इतना उपलब्ध वेदांतर्गत वो मंत्र भले ही नहीं हो कि पूर्ण वेद उपलब्ध है नहीं, और किसी भी युग में किसी भी समय पूर्ण वेद उपलब्ध हो ही नहीं सकता। क्यों? जैसा युग होता है उस युग में जन्म लेने वाले जीवों के अनुरूप जितनी अपेक्षित वेद है उतने मात्र का प्रकट करते भगवान, बाकी वेद छिपा रहता है। जैसे अब यहां स्त्री शूद्र का निषेध वाक्य है, वो वेद हमारे सामने उपस्थित है, और किसी युग में जब यामन स्मृति का समय जमाना रहा उस समय वो मंत्र नहीं रहा होगा, और उस मंत्र में रहा होगा नहीं स्त्रियों को शूद्रों को जन्म संस्कार होनी चाहिए, ऐसे मंत्र रही होगी वेद में। अब वो मंत्र इस समय अनुपलब्ध है और इस समय हम लोगों के लिए जैसा जरूरत है उस हिसाब से विधियां हैं। जिस युग कलयुग में या जिस सत्ययुग में या जो भी युग होगा, जिस चतुर्युग में जिस प्रकार के जीवों का जन्म होना हो और उनके कर्म उपासना के जिस प्रकार की विधियां अपेक्षित हैं, जिस प्रकार का नियम से बंधना अपेक्षित होता है उस जीवों के उद्धार के लिए, उतनी ही वेद भाग प्रकट होती है। इसलिए तीनों ही कालों में संपूर्ण वेद की प्राकट्य की संभावना समाप्त हो जाता है। अरे अनुमान की श्रुति आप कर सकते, नहीं तो हर बात क्यों अनुमान करें? नहीं आजकल के शिष्टाचार क्या है? दारू पी के नाचना, इसी शादी करना, तो इसकी भी गणमान श्रुति बना। फिर आज के सृष्टि कर रहे, पढ़े लिखे लोग कर रहे, नहीं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए पहले से वहां सुराम नप बैत कह दिया है, ये उपलब्ध है। इसे जो पी करके ज्यादातर भले संख्या बहुत है उनका, इन फिर उसको हम क्या कहेंगे? अशिष्ट व्यवहार ही कहेंगे, विशिष्ट व्यवहार नहीं मान जा सकता। वेद प्रामाण्य अभ्यंतरितम शिष्टोत्तम, शिष्ट का लक्षण है। शिष्ट पुरुष किसको कहते हैं? जो वेद की प्रामाण्यता को स्वीकार करता है। और दूसरे ने कहा स्वीकार करने से क्या होता है? जीवन में उतारता नहीं तो क्या फायदा? शिष्टत्व से आचार्यत्व भी होना जरूरी है, इसलिए अशिष्ट आचार्य भी बहुत हो सकते हैं और शिष्ट आचार्य कम मिलते हैं। अशिष्ट आचार्य तो बहुत है जो वेद की प्रामाण्यता मान रहे हैं, वो
लेकिन जीवन में वेद का एक भी वाक्य सफल नहीं कर पा रहे, कुछ भी अपनाए नहीं, वह अशिष्ट आचार्य है, शिष्ट आचार्य। तो इसलिए सब समझना पड़ता है। तो कहते हैं वो श्रुति स्मृति में क्या है, सापेक्ष प्रमाणता है, इसलिए उसको अनुमान शब्द से कह दिया। ते शब्द पूर्वाम सृष्टि में दर्शियता, ये दोनों के दोनों श्रुति और स्मृति, ते इसलिए कहते द्विवचन शब्द पूर्वाम सृष्टि में, शब्द पूर्वा सृष्टि का कथन करती है। कैसे, उदाहरण करके बताइए। ए तैति वै प्रजापतिर देवान असृजत असृग्रमिति मनुष्यान इंदवैति पितृंस तिरह पवित्रमिति प्रग्रहान आशवैति स्तोत्रम विश्वानीति शस्त्रम अभिसौ भगैति अन्याह प्रजाः इति श्रुतिः। ये श्रुति है। प्रजापति को जब तप करने लगा तो उसको अंदर में ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान प्रकट हुए, सगुण साकार रूपेण उसको वेदों को पढ़ा दिया, स्मरण करा दिया। पढ़ाने का मतलब यहाँ, पढ़ा तो कोई सकता है ही नहीं, गुरुमुख से शिष्य को आता है, शिष्य उसे आगे देता है, इस प्रकार से जो है, इसलिए इसका नाम ही श्रुति है। श्रवण कर करके आया, ब्रह्मा जी को श्रवण करा दिया, स्मरण उसको पूरा हो गया सम्यक प्रकार है ना, तब उसने ये शब्द बोला ये ते, बस इतना ही था। इतने उसने जैसे ही मन में लाया सब देवता उत्पन्न हो गए, अर्थात देवताओं की अभिव्यक्ति हुई, उत्पन्न से भौतिक रूप में नहीं, देवताओं के स्वरूप अभिव्यक्त हुआ। और उसके लिए उसने क्या किया, फिर भौतिक उपादान कारण को इस्तेमाल करके उनकी शरीरों को भी बना दिया, उपस्थित हो गए सब देवता, उपस्थित हो गए उसको जो आवश्यक किसी योग के अनुसार है। और अश्रीग्रम बोला उसने, क्या बोला, अश्रीग्रम कह दिया। जैसे उसने अश्रीग्रम कहा सब मनुष्य उसके सामने अभिव्यक्त हो गए, जितने भी प्रकार के मनुष्य के स्वरूप होना है वो सब उसके सामने व्यक्त हो गया। फिर उसने कहा इंदवः, तो पितरों का स्मरण कर, पितरों की जो उसने सृष्टि की, तिरा पवित्रम, इन शब्द को जैसे उच्चारण करता है उस समस्त ग्रह नक्षत्र तारे सारे जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले हैं ये सब उसके स्मृति आती है और फिर उसके अनुसार वस्तुओं को बनाता है। फिर आशवः ऐसा बोला तो स्तोत्रों को जो है उसने रचना कर डाला, उसके स्मरण आया, इसे स्मरण करके रचना की, ये अर्थ होगा सब जगह। मानस पहले मानस स्मृति हुई, स्मृति से मानस उपस्थिति हुआ वस्तु का, फिर उसको बाह्य सृष्टि के लिए भूतों की अपेक्षा है, वहां ब्रह्म उपादान कांड के तरह आकाश उत्पन्न क्रम से पंचकरण अपंचकरण सब कुछ व्यवस्था वहां लिया जाएगा। तो फिर अंत में नहीं, अभी एक और विश्वानी ऐसे कहकर शस्त्र की उपस्थिति स्मरण कर उनका उत्पत्ति किया, स्तोत्र शस्त्र, अब प्रगित हो तो शस्त्र है, प्रगित हो तो स्तोत्र कहा जाता है, इतना ही अंदर है। या शस्त्र मैंने ये नहीं कि वो रिवाल्वर तैयार कर दिया उसने, बंदूक बना दिया, कोई तलवार बना दिया, यहाँ शस्त्र का मतलब है अप्रगित ऋग समूह, जिसे देवता की उपस्थिति किया जाता है ध्यान वगैरह जब तब होता है उसका नाम शस्त्र। और स्तोत्र गायन के साथ स्वर के है व राग है ताल है सब हिसाब किताब ला करके जो गाया जाए उसका नाम स्तोत्र है। दोनों ही देवता का स्तुत्या संबंधी या आह्वान आदि संबंधी होता है। और अंतिम आया अभिसौ भग, ये शब्द बोला तो अन्य समस्त प्रकार के प्रजाओं की जो स्मृति आई और तद्वारा उसने उनकी भी उत्पत्ति कर दिया, इस प्रकार के श्रुति प्रमाण है। तथा अन्यत्र भी सुप्रसिद्ध उपनिषदों में देख लो, ये तो संहिता भाग में आ गया, उपनिषदों में भी स मनसा वाचम मिथुनम समभवत, मन के साथ द्वारा वाणी के साथ उसने मिथुन भाव को प्राप्त कर गया, अर्थात मन से वाणी का उच्चारण की तो उसे क्या हुआ, शब्द तो निष्पन्न होगा और शब्द जिसकी उच्चारण किया वही उसके सामने अर्थोपस्थिति होता है और जो अर्थोपस्थित हुआ उसी को बाह्य साकार रूप में परिणत कर देता है इत्यादि ना। तत्र तत्र शब्द पूर्वी का सृष्टि ही श्राव्यत है, शब्द पूर्वी का सृष्टि जगह जगह प्रतिपादन की गई है। उस प्रजापति ने वेद त्रयी रूपा वाणी या वाचम ने वेद त्रयी रूपा जो वाणी है उसको ही लेना पड़ेगा। तो द्वंद भाव से भावना की अर्थात मन के द्वारा वेद त्रयी का आलोचन किया, विचार किया, चिंतन किया,
तो तदनंतर जो जो वस्तु स्मृति में आते गया हाँ, चला चले सगले पदार्थों को उसने बार में सृष्टि करना आरंभ किया। और स्मृति महाभारत में देखिए स्मृति रपि अनादि निदना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः यतः सर्वा प्रवृत्तयः। ये मुख्य है, यतः सर्वा माने संपूर्ण जगत की सारी वस्तु की उत्पत्ति सब कुछ जो है प्रवृत्ति, यतः जिस वेद से वह शब्द से वह सिद्ध हुआ ना, वेद क्या है शब्द में अनादि निधना नित्या वाक उत्सृष्टा। कैसी है वाक? अनादि धन है वो, अनादि निधना नित्राम धनम इति निधनम, यहां मरण नहीं, ये नित्य धन है, जो नित्य धन है उसका नाम निधन। अनादि होता हुआ जो नित्य धन है, अर्थात अनादि भले ही हो अंतवान भी हो सकता है ना, नहीं है? एक लोग तो बहुत माहिर है अनादि होता हुआ अंत को बहुत मानते हैं, प्रागवावर क्या है उनका, अनादि होता हुआ अंत वाला, इसलिए शब्द देना पड़ा। नहीं नहीं नित्य है ये, भले अनादि है किंतु तुम्हारे प्रागभाव आदि के समान विनाशी नहीं, इसे नित्यम के लिए निधना और स्पष्ट विषय का विशेषण दे दिया नित्या वाक उत्सृष्टा स्वयं भुआ, स्वयं ब्रह्मा के द्वारा सर्वप्रथम उच्चारित हुआ था। आदो वेदमयी दिव्या, ओ वाक कौन सी है वह वाक? वेदमयी दिव्या वाक है, यथा जिससे आदो सर्वः प्रवृत्तयः उत्पन्ना भवन्ति, सारी जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इति संपूर्ण प्रवृत्तियां हुई। उत्सृष्ट उत्सर्जन का मतलब उत्पत्ति अभिव्यक्ति, वेद की अभिव्यक्ति वा सृष्टि के आरंभ में, आदो मने सृष्टि के आरंभ में स्वयं ब्रह्मा ने अनादि नित्य और दिव्य यह जो अनंत जो वेदमयी वाणी है, या तो उसको ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं ना आदिश्च निधनंच, निधन का अर्थ अंति रख, प्रसिद्धार्थ भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए समास बाद में करना। आदिश्च निधनंच इति अर्थ निधन मने अंतम मरणम, कोई आपत्ति नहीं अर्थ रखो। आदिश्च निधनंच आदिश्च अंतश्च इति आद्यंतौ न विदिते आद्यंतौ यस्य सा अनादि निधना, ये बन गया आदि और अंत जिसमें विद्यमान नहीं होता। न विदिते आद्यंतौ आदि निधनौ यस्य सा या यस्मिन सा, कोई दिक्कत नहीं, वो उसका नाम वेद है जिसका आदि और अंत दोनों नहीं है। ऐसे नए तत्पर समास पहले द्वंद पूर्वक कर, द्वंद गर्भित नहीं कर दो तो समास समस्या खत्म होता है। और अनादि शब्द रूढ़ लोगे फिर निधन कर तो नितराम धनम इति निधनम ऐसा लेनी पड़ेगी। उत्सर्गोपि अयम वाचः, कहते हैं वेद तो उत्पन्न हो गया ना फिर, वाग उत्सृष्टा स्वयं स्वयं वा उत्सृष्टा मैंने उत्पादिता उत्पन्न कर दिया, उसने अर्थ निकाल लोगे फिर तो वाणी तो वेद उत्पन्न हो गई, तो नित्य कैसे होगा वेद? झूठा विशेषण दिया नित्या वेद, कहते नहीं वह उत्सृष्टा का अर्थ समझो, उत्पत्ति का अर्थ क्या है वहां? कहते उत्सर्गोपि अयम, ये क्या कारण है? उत्सर्गोप्ययम प्ययम वाचः संप्रदाय प्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः, आ गया ना, वो भी कैसे संप्रदाय प्रवर्तनात्मक है, वाणी का यह उत्पत्ति भी गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन अध्यापन पर संप्रदाय का प्रवर्तन रूप ही समझना, इसलिए वो भी उसको सीधे नहीं आया ना, भगवान आग प्रकट हुए हृदय में सुनाए उसको स्मरण में स्मृति प्रदान किए उसको सारी, बस उसको दो चार शब्द बोलते सारी स्मृति हो जाएगी, ये तो उस उपाधि की विशेषता है ना। तो हम लोग जैसे सभी ऋचाओं को पूरी रुद्री पढ़ाते हैं, छह महीने लग जाता है लोगों को, नहीं सारा वेद पढ़ाने कितने टाइम लग जाएगा भगवान को, मंद बुद्धि होगा तो ब्रह्मा जी का, तो इसलिए ब्रह्मा जी का बुद्धि तो भाई वो पोस्ट ही ऐसा है, वो खोपड़ी भी ऐसा ही होगा उसका विलक्षण, नहीं बस एकाध और शब्द बोल दिए होंगे या दर्शन मात्र सबको स्मरण आ गया होगा, ये भी हो सकता है। जब बाकी सब जात वेद पैदा कर सकता है वो खुद कैसा होगा? सामर्थ्यवान तो है ही है, इन पुराण में भले कह दिया कि वो उसके हृदय में भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उपदेश दिया,
लेकिन वास्तव में उसकी भी जरूरत नहीं है। जब देवता लोग जातवेद हो सकते हैं, उससे उत्पन्न किया वस्तु वो खुद भी जातवेद होगा। लेकिन एक परंपरा बताई, प्रक्रिया बताई जाती है, उस प्रक्रिया का तात्पर्य अलग होता है, तो अध्यात्म कथा बन जाती है। वो जल क्या है, शेष में शेष क्या है, उसका नारायण क्या है, उसका नाभि से निकलना क्या होता है कमल, वो सब का अर्थ ही अलग हो जाता है, अध्यात्म पर घट जाता है। ना वहां उत्पत्ति होता है ना कुछ हो सकता है इस प्रकार का। इसलिए कहते हैं यहां उत्पत्ति जो कहा भी जाता है वो क्या है, केवल संप्रदाय प्रवर्तनात्मक समझनी चाहिए, नहीं तो पहले वेद उत्पन्न हुआ माना जाएगा, फिर वेद अनित्य हो जाएगा उत्पत्ति हुआ है तो। और दूसरा ऐसा क्या, ऐसे मानने में क्या प्रमाण है, अरे यही जो विशेषण दिए हुए अनादि निधनाया अन्या ऋष उत्सर्ग से असंभवात, आद्यंत रहित तत्व जो है अन्य किसी भी प्रकार की उत्पत्ति में संभव ही नहीं है। आदि अंत से रहित तत्व जो चीज है वह अन्य प्रकार की, अन्य ऋष मैंने अन्य प्रकार की उत्पत्ति मानने पर संभव नहीं हो सकता। एतादृशी प्राकृति को ही माननी पड़ेगी, गुरु परंपरा से अभिव्यक्ति को ही यहाँ पर उत्पत्ति कहना पड़ेगा और अन्य कोई रास्ता है ही नहीं। तथा इससे मुंड मनुस्मृति भी प्रमाण है, नाम रूपंच भूतानां कर्मणांच प्रवर्तनम वेद शब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः। नाम रूपंच भूतानां कर्मणांच प्रवर्तनम, भूतों के नाम, भूतों का रूप और भूतों का कर्म, इन सब की प्रवृत्ति वेद शब्देभ्य एव आदौ स महेश्वर निर्ममे, वेद शब्दों से ही वेदमयी शब्दों के द्वारा यह महेश्वर ने सर्वप्रथम निर्माण किया, मैंने उत्पन्न किया अर्थात अभिव्यक्त कर दिया। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। उस परमेश्वर ने आरंभ में संपूर्ण भूतों के पृथक पृथक नाम रूप कर्म एवं अवस्थाओं का, अवस्था भी बोल दिया ना, पृथक संस्थाश्च निर्ममे, उनकी अवस्थाओं का भी वेद शब्दों से निर्माण किया। अवस्थाएं क्या है, वर्ण व्यवस्था आसन व्यवस्था, यही आपकी अवस्था है। ये तो शरीर का अलग चीज है, आपकी अवस्थाएं क्या होती है वो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा, ये अवस्था से तात्पर्य नहीं है। संस्था शब्द प्रकट दिया, त्रयावस्था त्रय संस्था कहा है ना वहां पे, उसका तात्पर्य वर्णाश्रम, ये भी तय है, ये भी सब वेदों से ही निष्काल निकाल निकला हुआ है। इति च अपिच चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठन तस्य वाचकं शब्दं पूर्वं स्मृत्वा पश्चात् अर्थम अनुतिष्ठति सर्वेषां न प्रत्यक्षमेत। इतना ही लोक था भी है ना, मंत्र अर्थवाद पुराण कहा था पहले, इतिहास और लोक भी कहा था अंत में, अब वो लोक को बता रहे। अपिच चिकीर्षितम अर्थम, आप जो भी करना चाह रहे हैं आप क्या बोलोगे उसके लिए, सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग होता है, चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठन तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम स्मृत्वा। आप जो भी पदार्थ को बनाना चाहते करना चाहते पहले आपने क्या किया, पहले उसके वाचक शब्द दिमाग में लाया है। दिमाग में पहले होना चाहिए हलवा, वो नहीं होगा तो हलवा कैसे बना दोगे भाई, दिमाग में शब्द तो आएगा ना, दिमाग में ये शब्द जैसे आया फिर उसके बाद में आपने इति कर्तव्यता ढूंढ लिया है, किस किस चीज से बनती है, कितने प्रकार की बनती है, उसमें कौन सी बनानी है, वो सब बाद की बात है। लेकिन चिकीर्षित जो अर्थ है सबसे पहले जिसका अनुष्ठान करना चाह रहे हैं तस्य वाचकं शब्दं पूर्वं स्मृत्वा, पूर्व माने अग्रे, पहले वो शब्द श्रवण स्मृति होती है, फिर पश्चात अर्थम अनुतिष्ठति, पश्चात अर्थ उपस्थित हुआ और फिर उसका अनुष्ठान होता है। सर्वेशम न प्रत्यक्ष में तत्व, यह तो लोक में सभी के प्रति अत्यंत प्रत्यक्ष सिद्ध है। बिना शब्द से उपस्थित हुए कोई पदार्थ का आप कभी कोई अनुष्ठान कर ही नहीं सकते। जन्म से लेकर मरण तक सब शब्दों का जाल चल रहा है, आपका रोना एक शब्द है, शुरुआत से हुआ ना, पैदा हुए तो रोए, आप रोए क्यों भाई, हंसते
हंसते तो भी शब्द ही हो तो वो भी हंसना भी एक शब्द ही है। कुछ भी कर दो शब्द ही होगा, कुछ और कोई रास्ता ही नहीं है। अब कुछ नहीं होते तो पीटते हैं बच्चे को, देख शब्द कर जिंदगी मरा पता तो चले, और रुलाते हैं उसको पीट कर। अब पीटने में गड़बड़ा जाते तो आधे पागल सा हो जाता, कुछ कुछ हो जाता है, सब विकलांग हो जाते, बहुत कुछ हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सही सही जन्म लिए हुए होते हैं लेकिन तुरंत बोलते नहीं, रोते नहीं, और उसी पैर से उल्टा टांगते हैं और पीठ पैर पीटते हैं। अब कहीं पीटने में गलत पैट गया पर हो गया छुट्टी उसकी, बहुत नरम होता ही है शरीर, अभी अभी निकला है भट्टी से, है ना, अभी सुखा ही नहीं, मालो कठोर कहां से होएगा। तो अब हुआ ना, वहां रोना हुआ, उस शब्द से आप समझे ये जो जन्म हो गया, और रोने से आपने क्या माना, जन्म हो गया। उसके बाद जब जब रोता है मां समझती ये दूध पीना चाहता है, निकाले ना अर्थ आपने, मैंने शब्दोत्तर काल में अर्थ का निर्णय हुआ, मैंने सर्वप्रथम शब्द ही होता है, ये लोक में भी प्रसिद्ध है। तथा प्रजापतेर भी सृष्टो सृष्टे पूर्व वैदिक शब्द मनसी प्रादुर्बभुवुः, आ गया ना। ठीक इसी प्रकार से प्रजापति जो सृष्टा है वह उसके द्वारा सृष्टि होने के पूर्व में वैदिक समस्त शब्द उसके मन में प्रादुर्भूत हुए थे मानना होगा। पश्चात अनुगतान अर्थान ससर्ज इति गम्यते, इसलिए उसके बाद में ही उसने तद अनुगत पदार्थों का सृष्टि किया यह निश्चय होता है। तथा च श्रुति स भूरिति व्याहरत स भूमिम असृजत, तैत्र ब्राह्मण में उसने कहा भू हो ऐसे उच्चारण किया, पहले भू शब्द दिमाग में आई, उसका संकल्प क्या उच्चारण का, उच्चारण का संकल्प पूर्व क्या हो गया, उच्चारण होते ही बराबर सारी पृथ्वी उत्पन्न हो गई। इत्यम मारिका भूरादि शब्द एवं मनसी प्रादुर्भूतेभ्यो भूरादि लोकान सृष्टान दर्शयति, इत्यादि श्रुतियों से भूरादि शब्द जो मन में प्रादुर्भूत हुए थे उनसे ही भूरादि लोकों की सृष्टि का वर्णन है। किमात्तकम पुनः शब्दम प्रति इदम शब्द प्रवत्तम चते, तब पूर्व पक्ष कहता है लेकिन महाराज ठीक है, आकृति का वाचक जाति का वाचक शब्द या उपाधि से जो निमित्तक जो शब्द है उस शब्द का असली रूप क्या है, जातिवाचक हो चाहे उपाधि निमित्तक हो, आपने कहा था अभी भी स्थिति वाचकात्मना शब्दे नित्ये नित्यार्थ संबंधिनी शुरू किए थे यहां से कथम तरी पूछने पर, वो जो वाचकात्मना जो शब्द है उपाधि निमित्ते न वाचकात्मना हो या जाति निमित्ते न वाचकात्मना हो, वाचकात्मना शब्द अपने जो माना है उसका स्वरूप में बताइए क्या है, क्योंकि पूर्व में खंडन हो चुका, वर्णात्मक हो नहीं सकता, वर्णात्मक हो नहीं सकता है, इसलिए फिर पूछा जा रहा है फिर क्या है वो शब्द का असली रूप क्या है। तुरंत वैयाकरण कहता है स्फोटम इत्याह, स्फोट ही शब्द का वास्तविक स्वरूप, स्फुट्यते प्रकाश्यते अर्थानि इति स्फोट, स्फुट धातु विकसित होने अर्थ में है, यद्यपि उसका अर्थ यहां पर इसलिए स्फुट्यते वर्णैर व्यज्यते, स्फुट्यते वर्णैर व्यज्यते अर्थान प्रकाश्यते इति स्फोट, वर्णों के द्वारा व्यक्त जो होता है अर्थों को जो प्रकाशित करता है उस तत्व का नाम स्फोट है। कहते वह स्फोट के बारे में बोल रहे हैं, भाई वर्ण पक्ष ही क्यों आप स्फोट को मान रहे हो, वर्ण को क्यों शब्द नहीं मानते, लोक व्यवहार में तो यही है ना, जो लिखा जा रहा है क्या शब्द लिखा है पूछते हैं, आप बोलते हो हाँ घटा लिखा हूं मैं, अच्छा वर्ण को ही तो लेके बोल रहे हो सारे का, लिपि में आपने जिस वर्ण को लिखा है उसको लेकर आपने व्यवहार करते हैं, शब्द को तो वर्ण रूप में व्यवहार सब जगह होता है, और स्फोट कहां से लाया, तब कहते हैं यदि वर्णात्मक मानोगे तो क्या समस्या है, वर्ण पक्ष ही तेषाम उत्पन्न प्रध्वंसित्वात् नित्येभ्य शब्द देवादि व्यक्ति नाम प्रवृत्ति अनुपन्नम स्यात्, वर्ण पक्ष शब्द का हो नहीं सकता है, क्योंकि वर्ण तो उच्चारण पूर्वक उत्पत्ति विनाशशाली है, जो उत्पन्न प्रध्वंसशाली है वह अनित्य होगा,
और अनित्य होने के नाते जो पूर्व सिद्धांत निर्णय जो कर चुके श्रुति स्मृति आदि के आधार पर कि नित्य शब्दों से देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति अभिव्यक्ति हुई है, वह बात अनुपपन्न हो जाएगा। उत्पन्न ध्वंस नश्च वर्णा प्रत्युच्चारण अन्यथा च अन्यथा च प्रतीयमानता, और वर्ण उत्पन्न ध्वंस ही है, ये कैसे निर्णय हुआ? क्योंकि प्रत्युच्चारण अन्यथा च अन्यथा च प्रतीयमानता, प्रत्येक उच्चारण बार बार जब करते जाओ वो अन्यथा अन्यथा ही प्रतीत होने लगता है, हर बार अलग होएगा। जितना भी आप संगीतकार वगैरह भी देखो, एक भजन का रिकॉर्ड करा दो, फिर कहो उसको आधे घंटे बाद फिर गाइए आप, फिर रिकॉर्डिंग कीजिए, दोनों में अंतर हो जाएगा। गायक वही, साजबाज वही, सब कुछ वही, आधे घंटे के बाद बोलेगा जो स्वर की स्थिति पहले थी वही बाद में रहेगा, कोई क्षण कर्ण क्षण में अंतर होता है। भूखा व्यक्ति गाएगा, पेट भरा हुआ गाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, 10 साल पहले गाने वाला फिर 20 साल बाद में गाएगा तो कितना फर्क पड़ेगा। यहां तो कहते कि बल्कि क्षण क्षण में अंतर पड़ जाता है। वाणी की विलक्षणता है, एक ही 19-20 का फर्क आप पहचान नहीं पाते, बात अलग चीज है। 10-20 का फर्क हो जाए तो पकड़ लोगे, लेकिन ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे अंतर को? इसीलिए क्योंकि वो इतना सूक्ष्म अंतर, सूक्ष्म भेद है। हमारा पूर्व में कथित और शब्द, और अब मैं दोबारा कहूंगा और, वहां भी और कह रहा हूं, फिर और कह रहा हूं, फिर और कहूंगा तो भी आपको लगेगा स्वामी जी बोल रहे हैं। क्यों? यदि वर्ण वर्ण में अंतर उच्चारण में हर में फर्क पड़ जाता है। ये जो तंतियां ना यहां पर तार हैं, जो अंदर काम कर रहे हैं, अब जैसा आ रहा है उस पर निर्भर है ना, कि श्वास ऊपर उठता है, हवा छाती से टकराता है, फिर विभिन्न स्थलों को टकराता है, निर्भर होगा कितना अंदर था कितना बाहर आ रहा है, ये तो फिक्स नहीं है ना। उतनी मात्रा हमेशा जब जब और बोलूंगा तब तो उतनी ही निकलेगी, उतनी ही टकराएगी, ऐसा नहीं है, वो नहीं। सूक्ष्म अंतर आप पकड़ नहीं पाते, अपनी बुद्धि में क्षमता नहीं, एक अलग चीज है। यदि आप मशीन में लगा करके मशीन जो तरंग पकड़ते हैं वो भी स्थूल ही है, फिर भी काफी अंतर दिखा देते हैं। हर बार बोलेंगे आप, हर बार उसके तरंग अलग हो जाएंगे। यहीं बैठ के माइक में लगाकर आप देखते रहना, जो है ना हिलता है ना उसको देखते रहो, एक ही शब्द बोलना 50 बार और हर बार देख रहे कहां तक आया कहां गया, वापस फर्क पड़ेगा। आपको आश्चर्य हो रही मेरी वाणी में इतनी अंतर है, हर बार में फर्क हो रहा है। लेकिन हम लोग उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, मोटा मोटी बुद्धि पे काम चलाते रहते हैं, नहीं तो कह रहे हैं ठीक सुन रहे हैं, बात खत्म हो गई। इन वास्तव में जो उत्पन्न ध्वंसशाली जो है, एक बार जो ग और दूसरी बार जो ग उच्चारण हो रहा है उनमें अवश्य अंतर होता है। प्रत्युच्चारण अन्यथा अन्यथा च प्रत्यमान तथा ही, उसी को व्याख्या कर समझा रहे। अदृश्य मानव भी पुरुष विशेष अध्ययन ध्वनि श्रवणा देव विशेष तो निर्धारित देवदत्तो यम मदिते यज्ञ दत्तो यम मदिते इति। यदि भेद ना होता तो कैसे पकड़ते आप? सभी वेद पाठ कर रहे हैं और आप दिखाई नहीं दे रहा, वो ऊपर माइक लगा करके बोल रहे हैं ऊपर हॉल में बैठ करके, और आप इधर कहीं सड़क पे घूम रहे हैं, जंगल में हवा में बैठे हुए हैं, कान तक आवाज आता है तो आप पहचान रहे अमुक पाठ कर रहा है, जबकि सब बोल रहे हैं, सभी की आवाज है उसमें, और फर्क करता हो समझते हो आप, होते से सामने मुख्य आवाज आ रहा है उसको, उसके बाद की 2-4 आवाजों को पकड़ लोगे आप, थोड़ा ध्यान देने से पकड़ना है। वो कैसे हुआ? इसे प्रत्युच्चारण भिन्न मानना पड़ेगा ना, इसे कहते हैं अदृश्य मानो भी पुरुष विशेष। पुरुष विशेष में दिखाई नहीं दे रहा है, अध्ययन ध्वनि श्रवणादेव उनका पाठ श्रवण मात्र से ही विशेष तो निर्धारित है, आप विशेष निर्धारण कर पाते हैं क्या यह देवदत्त पढ़ रहा है, देवदत्तो यम अदिते यज्ञदत्तो यम अदिते इति। न चायम वर्ण विषय अन्यथात्व प्रत्यय मिथ्या ज्ञानम, और ये नहीं कहना ये वर्ण विषय जो अन्यथात्व ज्ञान हो रहा है, भिन्न भिन्नता ज्ञान हो रहा है जो वह मिथ्या है,
ऐसा मत कहिए, यदि मिथ्या होता तो कभी न कभी बाधित होनी चाहिए, लेकिन बाधित नहीं हो रहा। यदि न चाहे वर्ण विषय अन्यथात्व प्रत्यय, वर्ण विषय जो भिन्न भिन्नता का जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? बाधक प्रत्याभाव, तो बाधक कोई प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है और देवदत्त का नहीं है, ऐसा कोई बात होता है क्या? यज्ञदत्त का आवास नहीं था, ऐसा बात नहीं होता। इसलिए बाधक ज्ञान जब तक नहीं है किसी ज्ञान को मिथ्या आप नहीं कह सकते। न च वर्णे भी अर्थावगति युक्ता, हाँ वर्णों से अर्थावगति भी युक्त नहीं है। हाँ आपके जवाब दे रहे हैं अभी, ध्यान दियो, वर्णों से अर्थ की अवगति कहना उचित नहीं है। वर्णेभ्यो अर्थावगतिर न युक्ता, कथम नहीं एक, क्योंकि दो पक्ष है वर्णों के द्वारा अर्थाव्यक्ति का, दो या प्रत्येक वर्ण अर्थ को अवगत कराते हैं या समूह मिलकर के कराते हैं। समूह मिलकर जब कराएंगे उसमें पक्ष उठाएंगे, क्या एक एक वर्ण अपने नष्ट होते हुए अगले वर्ण में अपना कुछ डाल करके अंत में करेंगे या संस्कार उत्पन्न होगा, क्या मानेंगे? सब पक्ष उठा रहे, नहीं एक एक वर्ण अर्थम प्रत्याय है वे बिचारा। यदि एक एक वर्ण भी करने लग जाए घट में घट, दो बोलने की जरूरत क्या? घा बोल दिया हो गया, घट ज्ञान हो गया, फिर घर से घर कैसे ज्ञान हो जाएगा? क्यों? घर में भी घ है, घटा में भी घ है, एक ही वर्ण से ज्ञान होता है, प्रत्येक वर्ण से बोध होगा तो इतने वर्ण बोलने की जरूरत ही नहीं, एक वर्ण बोल दो बात खत्म, अर्थ बोध हो जाना चाहिए। लेकिन एक ही वर्ण अनेकों वस्तुओं का प्रथम वर्ण है ये नहीं, अब किसका बोध होगा? किसने श बोल दिया और श से क्या लो, समझ में नहीं आ सकता। इसलिए मानना पड़ेगा प्रत्येक वर्ण अर्थ का बोधक नहीं हो सकता, नहीं तो अन्य वर्णों की व्यर्थता है और वे विचार भी है। न च वर्ण समुदाय प्रत्यस्त, वर्ण समुदाय से ही ज्ञान होता है मान लो, तो वो भी नहीं हो सकता क्रमवत बात, नहीं तो सिंह हिंसा में फर्क क्या पड़ेगा? सिंह और हिंसा में वही है, सहा को उल्टा पलटा कर दिया ना आपने, केवल सिंह हिंसा सह उल्टा किया और क्या किया, वर्ण तो वही है, वर्ण समुदाय वही है, बस आगे पीछे रखी गई। वो आगे पीछे क्या मतलब है तुम्हारा? आपने कहा वर्ण समुदाय से ज्ञान होता, वर्ण समुदाय एक ही से ज्ञान फिर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको मजबूर होकर कर्म ने क्रम भी अपेक्षित या स रह का क्रम विपरीत हो गया, इसे जो सिंह से बोध हो रहा था वो हिंसा से बोध नहीं हो रहा, ये कहना पड़े ना। तो क्रमाधीन हो गए, अक्रमाधीन हो गए तो उस पर विचार आएगा, देखिए अभी क्रमवत्वात है ना, क्रमवत्वात वर्णानाम, वर्णों के क्रमवत्व को लेकर के अर्थोत्पत्ति हुई है, केवल वर्ण समुदाय से अर्थोत्पत्ति नहीं हुई। ठीक है, वह क्रम में भी हम पूछेंगे, वर्ण पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहित तो अंत्यो वर्णो अर्थम प्रत्यायिष्यति इति यदि उच्येत, क्रम में भी हम पूछेंगे वह क्रम में भी अंत्य वर्ण ने उत्पन्न किया या एतद् क्रम विशिष्ट कोई समुदाय नाम का अलग चीज उसने उत्पन्न किया, उन क्रमों से उच्चारण करने के पश्चात कोई समुदाय नाम का अलग चीज तो रहता नहीं, इसलिए उसको कहना पड़ेगा एतद् क्रम विशिष्ट पूर्व वर्णोच्चारण पूर्वक अंत वर्णोच्चारण जब होता है तब उससे ज्ञान पैदा होगा, अर्थ का उपस्थिति होगी, कहते ये भी नहीं हो सकता। पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहित, पूर्व वर्ण का उच्चारण जैसे होता है तत्त वर्ण के संस्कार रहेंगे, उन संस्कारों के सहित अंत्यो वर्ण, अंत जो वर्ण उत्पन्न हुआ उच्चारण हुई साथ साथ अर्थम प्रत्यायिष्यति, वो अंत्य वर्ण ही अर्थ का बोधक है, अंत्य वर्ण अर्थ का बोधक है, लेकिन केवल अंत्य वर्ण नहीं, फिर वो नहीं तो अंत्य वर्ण अनेकों में आ जाएगा ना, अनेकों में अंत्य वर्ण तो समान हो सकता है, घटापटा में ही देख लो ना, दोनों टाटा है ना, अंत्य वर्ण तो समान है, इसलिए आपको कहना पड़ेगा क्रम विशिष्ट पूर्व पूर्ण वर्णोच्चारण जन संस्कार विशिष्ट जो अंत्य वर्ण, ऐसे कहेंगे तब पट के टकार उच्चारण से कपड़ा ही बोध हो सकता है, घड़े का बोध नहीं होगा,
ये क्रम भी विवक्षित है, पौर्ट क्रम भी विवक्षित है और पूर्व उच्चारण से उत्पन्न संस्कार विवक्षित है। उन सबसे विशिष्ट अंति वर्ण जब कहूंगा तब व्यभिचार और अतिव्याप्ति वगैरह समाप्त हो जाता है। लेकिन यह भी व्यवस्था ठीक नहीं है। इति यदि उच्चेत तन्ना ये नहीं कहना कि संबंध ग्रहण अपेक्षा ही शब्द स्वयं प्रत्यमान अर्थम प्रत्यय, क्योंकि अर्थ का बोध तो वर्ण करा ही नहीं सकता। अर्थ के लिए तो संबंध की अपेक्षा है, शब्द का अर्थ के साथ संबंध मात्र का अपेक्षा होता है। इसलिए वर्ण से आपने कैसे कह दिया अंत्य वर्णोच्चारण जब हो गया पूर्व क्रम या संस्कार से विशिष्ट होकर के भी वह वर्ण से अर्थ का प्रत्यय बोध तो कभी नहीं होगा। वह वर्ण भी केवल अपने शब्द का बोध कराएगा, ये हो सकते ना। वह सबसे विशिष्ट जो अंत्य वर्ण है उसने क्या किया, वह शब्द का बोध कर दिया जिसका अर्थ के साथ नित्य संबंध है। तो जिस वह अंत्य वर्ण ने जिस शब्द का बोध करा देगा वह शब्द अपना अर्थ का बोध करा इससे उपस्थित करा देगा। जैसे मान लो मैंने पट कहा लेकिन आपकी खोपड़ी का अंत्य वर्ण जो ट है, आपकी बुद्धि में जो अंत्य वर्ण कौन था तई सुना हमने, लेकिन उससे पट उपस्थित हो गया। हमने बोला घटा लेकिन आपके बुद्धि में जब तक ट उच्चारण हो पाया और श्रवण हो गया उपस्थित क्या हो गया, पट उपस्थित हो गया, तब अर्थ कौन सा उपस्थित होगा, पट रूपी अर्थ उपस्थित होगा कि घट उपस्थित हो जाएगा, पट ही उपस्थित होगा। इसे अंतिम वर्ण जिस शब्द को उपस्थापित कर देता है उस शब्द का नित्य संबंध जिस अर्थ के साथ है उसी अर्थ की उपस्थिति होती है, अतः वर्ण अर्थ की उपस्थिति नहीं करा। और वह शब्द इन सभी वर्णों से विलक्षण है, उसी का नाम स्फोट दिया जाएगा, उसी का नाम स्फोट रखना है। इसलिए कहते देखो कि संबंध ग्रहण अपेक्षा, क्यों संबंध अर्थ का शब्द के संबंध ग्रहण की अपेक्षा है, वर्णोच्चारण से केवल चलेगा नहीं काम। इसलिए उन अंतिम वर्ण क्या करेगा, सर्व संस्कार और क्रम से विशिष्ट होकर के वो शब्द को प्रसिद्ध कराएगा और शब्द का अर्थ से नित्य संबंध तय हो चुका है। आते वह शब्द स्वतः ही अपना स्वयं, इसलिए ना स्वयं प्रत्यमानो, वह शब्द क्या करेगा स्वयं प्रतीत होता हुआ अर्थ को भी प्रतीत करा देगा। अर्थम प्रत्यायेत है या नहीं, धूमादि दृष्टांत क्या है, धूम की प्रतीति होने मात्र से वन्नी का प्रतीति सिद्ध हो जाएगा। क्यों, धूम और वन्नी का संबंध पहले से तय है, आपको वन्नी को देखने की जरूरत नहीं, वन्नी का उपस्थिति नहीं होने की जरूरत नहीं है और सीधे ही जो है धूम वन्नी को उपस्थित नहीं कराएगा। धूम वन्नी को उपस्थित कराता है तो संबंध अधीन होकर उपस्थित कराएगा, पहले आपने संबंध ग्रहण किया यो यो धूमवान सो वन्नीमान। इसलिए वर्तमान में चक्षु के द्वारा धूम मात्र उपस्थित होने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष भूता वो कौन वन्नी, वो भी उपस्थित हुआ कि नहीं हुआ। इस स्फोट रूपी जो शब्द भले अप्रत्यक्ष है इन वर्णों ने क्या करना है, उस शब्द को प्रसिद्ध करानी है। कहते हैं कि धूमाधिवत, इसलिए खंडन हो गया ना, वो संबंध ग्रहण की अपेक्षा होता है तभी शब्द जो है स्वयं प्रतीत होता है अर्थ को बोध कराएगा, अतः अंत्य वर्ण अर्थ को बोध करा देता है, यह कहना आपका बिल्कुल गलत है। इतना ही कहता है, नहीं भाई अंत्य वर्ण भी ही करा सकता, कैसे, पूर्व पूर्ण वर्णानुभव जनित संस्कार सहित तस्य अंत्य वर्ण से प्रतीति अस्ति, पूर्व क्रमा क्रम विशिष्ट पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित जो संस्कार है उसके सहित कौन है, वो अंत्य वर्ण, वो अंत्य वर्ण का प्रतीति होगा अप्रत्यक्षता संस्कार ना, कहते ये नहीं हो सकता। वो अंत्य वर्ण का प्रतीति आप कह रहे हो ना, अंत्य वर्ण की प्रतीति नहीं हो सकती, अंत्यस्य अंत्य वर्ण से प्रतिरस्थिति न, क्यों, अप्रत्यक्षत्वात् संस्कार, संस्कार का तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। ऐसे संस्कार का प्रत्यक्ष अब नहीं होगा, तार्श विशेषण से विशिष्ट वस्तु का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। आप केवल वर्ण का श्रवण करते हैं, संस्कार विशिष्ट वर्ण का श्रवण नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते। अयोग्य विशेषण से विशिष्ट वस्तु का कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। कहे हमको देवदत्त दिखाई दिया, कैसा देवदत्त, वंद्या पुत्र देवदत्त दिखाई दिया, मान लोगे, हाँ सुमित्रानंदन देवदत्त दिखाई दिया, हाँ ये तो संभव है, कोई सुमित्र नाम की होगी औरत, उसका बेटा उसका बेटा देवदत्त, तो आप देख सकते, वंद्यानंदन देवदत्त को देखा
भले विशेष योग्य है प्रतीति का, लेकिन यादृच विशेषण से विशेष आप उसको कर दिए हैं, तारच विशिष्ट पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं है। तद्वत यहां पर भी समझिए, जब संस्कार हमारा प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता तो संस्कार से विशिष्ट वर्ण का हम कैसे प्रत्यक्ष करें। विशिष्ट का विशेषण अभाव है, विशिष्टा भाव है, जब विशेषण में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, विशेषण में प्रत्यक्ष अभाव है तो विशिष्ट प्रत्यक्ष भाव मानना पड़ेगा। तीन प्रकार का है ना अभाव प्रत्यक्ष का निर्णय हुआ है, विशेषण विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, कहीं दोनों ही प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, वही गलत बात है कि नहीं। खापुष विशेष है वो भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। स्वर मृत्यु का भी नहीं हो सकता, स्वर्ग लोक की मृत्यु का लाओ कहां से लाओ? तो विशेष निश्चित ऐसी चीजों को लेकर कर दोगे तो भी उभय अभाव विशिष्ट हो जाएगा, विशिष्ट अभाव बनेगा, उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव हो जाएगा। तो इसलिए कहते कि देखो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, कहते हम अनुमान से कर लेंगे ना, फिर कार्य हो रहा है ना, अर्थ प्रतीति हो गई कि नहीं हो गई, अर्थ प्रतीति हुई है या कार्य उपस्थित हुआ, क्यों वर्णोच्चारण क्यों किया गया, अर्थ बोध कराने, और अर्थ जब बोध हो गया इसका मतलब क्या, जरूर शब्द का प्रतीति हुई, शब्द का प्रतीति हुई तो वर्ण प्रतीति हुई, वर्ण प्रतीति का मतलब संस्कार विशिष्ट का प्रतीति हो गया, कार्यानुमान कर लूंगा। कार्य प्रत्यायित ही संस्कार ही सहित तो अंत्यो वर्णो अर्थम प्रत्यायिष्यति चेत न अन्योनाश्र दोष हो जाएगा, संस्कार कार्य से अपने स्मरण से क्रमवर्तित भाव, और संस्कार का भी कार्य अपने मानना पड़ेगा ना, वहां भी जो संस्कार कार्य क्या है, स्मरण, स्मरण में भी क्रमाधीन होगा, फिर उस स्मरण क्रम का भी संस्कार मानोगे, अनवस्था दोष होगा, है ही नहीं। पहले वर्ण क्रम का संस्कार बना, उस संस्कार की स्मृति हुई, उस स्मृति का भी क्रम माननी पड़ेगी ना, यादृश वर्ण संस्कार कैसे वर्ण संस्कार उत्पन्न हुआ, जो यादृश क्रम वाला संस्कार उत्पन्न हुआ तारश क्रम से ही स्मृति भी होना जरूरी है, संस्कार का क्रम अलग स्मृति का क्रम अलग हो जाए तो गड़बड़ा जाएगा, यही तो होता है ना। आप जैसे आपको कह दिया भाई कंठस्थ करो, आप कंठस्थ कर रहे हैं, संस्कार है अपने कंठस्थ के तो कुछ, लेकिन स्मृति में क्या होता है, कभी दो चार सूत्र उछल जाता है, आगे पीछे कहा जाता है, क्यों आया, मैंने संस्कार क्रम और स्मृति क्रम भिन्न हो गया ना वहां, तभी तो बोलते बोलते बीच का छूट ही गया गायब, फिर दो एकदम आगे चले जाते हो, होता है जो कंटस्थ की होने का अनुभव सिद्ध बात है ये। इसीलिए स्मृति क्रम की भी अपेक्षा होगी, अभी गौरव काम कर रहे हैं ना आप, पहले वर्णों के लिए क्रम अपेक्षा हुआ, उस क्रम की साबित संस्कार की अपेक्षा हुई, फिर संस्कार का क्रम हुआ, फिर स्मृति का क्रम, कहां तक जाओगे, इस तरह से कार्यानुमान से कारण की सिद्धि नहीं हो सकता। तस्मात स्फोट एव शब्द, अरे स्फोट है भला क्या, उसका लक्षण भी तो बताओ, कहते हाँ अब सुनाएंगे उसके भी लक्षण।